देखो ये आज का जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से है, हिंदू में बहुत अच्छे आर्टिकल्स नहीं थे। तो ये आर्टिकल है बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। गवर्नमेंट ने एक बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया है और इस आर्टिकल में हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट का वो डिसीजन कौन सा है। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक किसको बोलते हैं वो आप लोगों को भी पता होगा, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग राइटर इस तरीके से करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना ये बहुत पुअर है। एक पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है और अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब इंडिया का भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा पुअर है। प्लास्टिक का यूज तो हम बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन प्लास्टिक का जो डिस्पोजल होता है उसमें हम बहुत ज्यादा पुअर हैं। इंडिया की भी बात मैं कर रहा हूँ और अक्रॉस द वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं। राइटर ऐसा लिखते हैं कि हम यूज तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसका जो डिस्पोजल है प्लास्टिक का वो बहुत ज्यादा पुअर है और इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि कूड़े का ढेर कहीं पर लगा हुआ है, आप वहां पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा आधा से अधिक तो उसमें प्लास्टिक है। और इससे पहले भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें ये आप लोगों को बताया था कि जो लैंडफिल्स हैं, मतलब कूड़े का ढेर जहां पे लगा रहता है वहां पे आग लगने की भी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक बहुत मैसिव डिसीजन लिया है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैसिव डिसीजन ये है कि जुलाई से, मतलब ये जून चल रहा है ना आज 22 या जो भी है 23 या 24 जो भी तारीख है, 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक को। मतलब कि इसने एक एक्ट है आपका, उस एक्ट का नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। उसके तहत इसने 1 जुलाई से प्लास्टिक के यूज को बैन कर दिया है। कौन से प्लास्टिक के यूज को बैन किया है ये हम आगे समझेंगे। इसके साथ साथ राइटर ये भी बताते हैं कि मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये बहुत पहले ही अपना एक गैजेट दिया था, एक गैजेट इशू किया था जिसमें इन्होंने बोला था कि प्लास्टिक के यूज को बैन कर देना चाहिए। अब सिंगल यूज प्लास्टिक किसको कहते हैं ये समझिएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक सब लोगों को पता होगा, जो भी आप सामान खरीद के लाते हो ना एक बार लाने के बाद आप उसको फेंक देते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो पन्नी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, पॉलीथीन भी बोलते हैं हम लोग, कि सब्जी ले आते हो आप उस प्लास्टिक में और उसको फेंक देते हो सब्जी लाने के बाद, या फिर कुछ भी आप लेके आते हो एक बार आपने यूज किया और उसके बाद आपने उसको फेंक दिया। इसमें बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं उस सिंगल, इसी को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं और इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें लिखता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है, पीवीसी है, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन है, उसके बाद पॉलीप्रोपीलीन है, स्टाइरोफोरम है। तो ये सब जो पॉलीथीन के टाइप्स हैं ये सिंगल यूज पॉलीथीन के टाइप्स हैं। मल्टी लेयर प्लास्टिक की भी बात करते हैं राइटर। मल्टी लेयर प्लास्टिक किसको बोलते हैं, जैसे शैम्पू आप यूज करते हो, शैम्पू का सैसे आता है, 1 रुपए 2 रुपए में मिलता है, 3 रुपए में मिलता है, तो उसको आप एक बार यूज करके फेंक देते हो, वो मल्टी लेयर प्लास्टिक है। या ये गुटखा जो खाते हैं लोग तो उसमें भी जो प्लास्टिक यूज किया जाता है वो भी मल्टी लेयर प्लास्टिक है। विमल केसरी बोलो जुबा, विमल केसरी अजय देवगन उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो सब जो है वो मल्टी लेयर प्लास्टिक है। तो अब राइटर ये बोलते हैं कि 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, ऑस्ट्रेलिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मिनरो फाउंडेशन, MINDRO, मिनरो और माइंड्रो फाउंडेशन। इसने ये बोला है कि जितने भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है ना उसमें 1/3 प्लास्टिक तो सिंगल यूज का होता है। मतलब कहने का मतलब कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और राइटर ये भी बोलते हैं कि इंडिया का जो वर्ल्ड का जो टॉप 100 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करते हैं और सबसे ज्यादा पोल्यूटेड भी हैं, उसमें आपकी कंट्री भी है इंडिया, जिसका रैंक है 94 और टॉप पे है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान। इसके साथ साथ इन्होंने पर कैपिटा प्लास्टिक की भी बात कर दी है कि पर कैपिटा 4 kg। इसका मतलब हमें ये लगता है कि 4 साल में हर व्यक्ति 4 किलोग्राम पॉलीथीन यूज कर लेता है। सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड ने किस चीज को बैन किया है इसके बारे में राइटर लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ है बैलून, ईयरबर्ड्स, कार्स, आइसक्रीम का जो वो पैक होता है वो, स्वीट बॉक्सेस, सिगरेट पैक्स, स्पून्स जो बर्थडे केक में मंगाते हैं, नाइफ्स, ग्लासेस, इनविटेशन कार्ड, इन सब को बैन कर दिया है 1 जुलाई से। इसके पहले कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ने 70
75 माइक्रोन्स पॉलीथीन को ऑलरेडी सितंबर 2021 में बंद कर दिया है और धीरे धीरे 120 माइक्रोन को भी दिसंबर इस साल के दिसंबर 2022 तक बैन कर दिया जाएगा, ऐसा राइटर बताते हैं। मिनिस्ट्री ने ऐसा एक गाइडलाइंस जारी किया। अब इसके बाद राइटर ये कहते हैं कि एक फेज्ड मैनर में ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। फेज्ड मैनर मतलब कि एक साथ नहीं हटाना, पहले 75 माइक्रोन जिसकी वेट होती थी या मतलब जो मोटा होता था, 75 माइक्रोन बहुत पतला होता है, उसको बैन किया और अभी 120 माइक्रोन की भी बात कर रहे हैं, दिसंबर 2022 तक 120 माइक्रोन जिसकी वेट होगी उसको भी बंद कर दिया जाएगा। इसको मॉनिटर करेगी सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी इसको मॉनिटर करेगी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को साफ साफ कहा गया है कि जो भी इंडस्ट्री इस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए आपसे कोई रॉ मटेरियल लेता है उसको आप मत दीजिए, और यदि आप देंगे तो आपके ऊपर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 5 साल की सजा या 1,00,000 जुर्माना या दोनों ही देना पड़ सकता है। यही नहीं, इन्वायरमेंटल डैमेज कंपनसेशन एक्ट के तहत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी फाइन लगा सकता है। म्युनिसिपल लॉ में भी बहुत सारे पीनल कोड और पनिशमेंट लिखा हुआ है। अब राइटर ये बोलते हैं कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले पॉलीथीन को बैन किया था 2002 में। अभी लेटेस्ट कंट्री न्यूजीलैंड है जिसने 2019 में बैन किया है। चाइना भी 2020 से फेज्ड मैनर में बैन करते जा रहा है प्लास्टिक को या पॉलीथीन को, और जुलाई 2019 तक का डेटा राइटर ये बता रहे हैं कि 68 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने पॉलीथीन को बैन कर दिया है कंप्लीटली। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने बैन कर दिया है, और पहला स्टेट है कैलिफोर्निया जिसने 2014 में ही बैन कर दिया था। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में राइटर बताते हैं। इन्होंने ये बोला है, देखो पॉलीथीन में ना जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो प्रोपीलीन पॉलीथीन पीवीसी ये सब मैं पढ़ाऊंगा यदि केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये सब में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ना पॉलीथीन में, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि 500 साल 600 साल तक चल जाता है। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, 500 ईयर्स और 600 ईयर्स तक मतलब कुछ नहीं होगा इसको, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा। ग्रीन हाउसेस गैसेस में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसा राइटर बताते हैं कि 2050 आते आते 5 से 10% जो ग्रीन हाउसेस गैसेस जनरेट होगा वो सिंगल यूज प्लास्टिक से ही जनरेट होगा, बड़ी बात है। लैंडफिल्स बढ़ते जा रहा है, मतलब पूरे का अंबार काफी ज्यादा होते जा रहा है, हर जगह पे, सिलचर में भी देखिए, दिल्ली में भी देखिए, हरियाणा में भी देखिए, कहीं पे भी देखिए आपको दिख जाएगा। हेल्थ पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, जैसे मान लीजिए मछली है वो कंज्यूम कर लेती है प्लास्टिक, उसको फिर आप खाते हो तो आपके हेल्थ पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मरीन इकोसिस्टम को भी ये तबाह कर दिया है, क्योंकि बहुत ऐसे मरीन एनिमल्स हैं पानी में रहने वाले जो इसको कंज्यूम करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब चैलेंजेस के बारे में लास्ट में राइटर बताते हैं। देखो चैलेंजेस ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, और इम्प्लीमेंटेशन पुअर इसलिए है कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है सरकार के पास। इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है कोई, मतलब इंटरनेशनली कोई ऐसा लॉ नहीं है कि हम यूज नहीं करेंगे प्लास्टिक को। सभी कंट्री अपने अपने हिसाब से वॉलंटरली कोई ना कोई स्टेप निकालती हैं, तो ये चीज है। और लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि करप्शन भी बहुत ज्यादा है लोकल लेवल पे, मतलब दुकानदार जो भी एजेंसी है अथॉरिटी है कंसर्न उसको पैसे खिला के और वहां से पॉलीथीन ले लेते हैं। तो यही है पूरा का पूरा आर्टिकल। थैंक यू सो मच।